तो आपको गुरुग्राम की तस्वीरें दिखाते हैं। गुरुग्राम में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कई जगह पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, जिस वजह से कहीं ना कहीं वहां तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है गुरुग्राम में। तो ये तस्वीरें हम आपको गुरुग्राम की दिखा रहे हैं, पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं, ये जाम की स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गई है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने अपने एहतियात सुरक्षा के इंतजाम करते हुए बैरिकेड्स लगाए थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं गुरुग्राम की तस्वीर आपके सामने है, जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है गुरुग्राम में। और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है, उसको लेकर ये पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं जाम की स्थिति हो गई है, रूट डाइवर्जन किया गया है, जिस वजह से ये जाम आपको देखने को मिल रहा है। तो गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश से अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरियाणा में यमुनानगर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अभी उसके बाद गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार की तस्वीरें दिखाई, आपको बेंगलुरु की तस्वीरें दिखाई, लगातार हर जगह तस्वीरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं इस कानून को लेकर विरोध हो रहा है। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। गुलशन, साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस ने एहतियातन ये सुरक्षा व्यवस्था जरूर की है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जाम की वजह से। देखिए बिल्कुल, जहाँ दोनों सदनों ने बिल को पारित करने के बाद लगातार इसका विरोध हो रहा है, और आज भी कई शहरों में इसका विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कई जगह मेट्रो स्टेशन भी बंद किए गए हैं, और इसको देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई है, जिसकी वजह से सरहोल टोल प्लाजा पर काफी लंबा जाम यहाँ पर लग गया है, क्योंकि गुड़गांव से जो दिल्ली की ओर जाता है, बीच में एक सरहोल टोल प्लाजा पड़ता है, उसके बाद दिल्ली शुरू हो जाता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाई हुई है और तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि कोई भी आपराधिक गतिविधि का कोई इंसान दिल्ली में प्रवेश ना कर जाए, जिससे कि फिर दोबारा से कोई इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए। तो ऐसे में तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जिसके कारण लंबा जाम यहाँ पर लग गया है। हालांकि पहले हम देखते थे कि जब सरहोल पर टोल प्लाजा था तब जाम लगता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जहां दिल्ली पुलिस की पूरी बैरिकेटिंग है पूरी सड़क पर, और एक एक गाड़ी को जो है बकायदा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से यहां लंबा जाम है। और सीएए बिल का विरोध जिस तरीके से पूरे देश में देखा जा रहा है, और अब कहीं ना कहीं दिल्ली में आज जिस तरीके से कई मेट्रो स्टेशनों को भी बंद किया गया है, और इसके चलते दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है कि कहीं कोई आपराधिक गतिविधि का कोई इंसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सके, जिसकी वजह से यहाँ पर अब जाम की स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर गुलशन बने रही हमारे साथ। आपको दो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हरियाणा के दो जगहों पर विरोध प्रदर्शन तस्वीरें, एक जगह बैरिकेडिंग लगी हुई पुलिस, जिस वजह से जाम की स्थिति गुरुग्राम में देखने को मिल रही, दूसरी तस्वीर यमुनानगर की है। हरियाणा की ये दो तस्वीरें, एक जगह जाम की स्थिति उत्पन्न है, तीसरा विरोध प्रदर्शन तस्वीरें, ये और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बल्कि कानूनी तो अधिकार देता हमें अपनी बात कहने का, तो हम तो अपनी बात कहने आए, देख रहे क्या हो रहा है। और भी थे, आप अकेले भी यहाँ पर पहुँचे? नहीं, हम देखो जो डिटेन कर लिया गया है वो कह रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों की लड़ाई है। संदीप दीक्षित गए थे प्रोटेस्ट करने, उन्होंने कहा कि अगर आज और इसमें जब तक अन्याय रहेगा तब तक न्याय के लिए लड़ेंगे। सर आपको लगता है कि बैठिए।